दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY, खबर ही खबर। मैं विवेकानंद यादव। बिहार में कानून का राज है ऐसा कहते हैं वर्तमान में मंत्री और जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार शर्मा। और बिहार में कानून का राज है, किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं कि वो कानून व्यवस्था के अंदर में आतंक फैलाए या रंगदारी करे। लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आप ढंग से सुनेंगे। बेतिया में एक दवा दुकानदार के यहाँ दुकान में घुसकर दुकान के मालिक को पीटते पीटते अधमरा कर दिया गया, और वो कोई नहीं, भाजपा के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के भाई डॉन, जिसे कहते हैं बेतिया के लोग। उन्होंने मामूली सी बात में पीट कर अधमरा दुकानदार को कर दिया। यह बिहार में कानून का राज है। भाजपा के विधायक के भाई खुलेआम रंगदारी करते हैं और CCTV फुटेज में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। दवा दुकानदार को काउंटर के अंदर में घुसकर रेणु देवी के भाई ने पीट पीट कर दुकान के मालिक को अधमरा कर देता है। लेकिन बिहार में कानून का राज है। बिहार में कानून के राज में किसी भी तरह की गलत काम करने की परंपरा नहीं है। लेकिन भाजपा और जदयू के साथ रहने वाले लोग, ब्रजेश ठाकुर जैसे लोग मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड करते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कई बार प्रताड़ित बिहार सरकार को कर चुकी है। CBI को अभी स्पष्ट निर्देश दिया कि आप 3 महीने के अंदर में रिपोर्ट सबमिट करें। उस बालिका गृह कांड में लड़कियों के साथ शोषण, यौन शोषण होता था। कई लड़कियों की हत्या कर दी गई, कई लड़कियों को बेच दी गई, लेकिन सरकार ने सुद नहीं ली। सृजन घोटाला बिहार के भागलपुर में होता है। सुशील मोदी के सगे संबंधी शामिल होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कानून का राज है। कानून के राज में भाजपा के विधायक रेणु देवी के भाई बेतिया शहर में दवा दुकानदार के काउंटर में घुसकर पीट कर अधमरा करते हैं दर्जनों व्यक्ति के सामने। लेकिन कानून का राज है, कोई बात नहीं है। पता करने से ऐसा पता चला कि पीटने वाले विधायक और पूर्व मंत्री के भाई कई बार ऐसी वारदातें बेतिया में कर चुके हैं, और प्यूडोन डॉन के नाम से वो प्रसिद्ध हैं बेतिया में। उनकी रंगदारी चलती है, प्रशासन हिम्मत नहीं करती, इसलिए कुछ सत्ता पक्ष के लोग हैं, छूने का हिम्मत नहीं करती। लेकिन बिहार में कानून का राज है। मैं नीरज कुमार शर्मा जदयू के प्रवक्ता से यह पूछना चाहता हूं कि दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय अपने समर्थित दल के लोगों के हरकत पर उंगली क्यों नहीं उठाते, क्यों उनकी मुंह बंद हो जाती है। दीन दहाड़े दुकानदार को पीटना मामूली सी बात में, और दुकानदार के पास दवाई नहीं होने पर जबरन दवाई मांगना, ना कहने पर पीटना, जो CCTV कैमरा में स्पष्ट दिखाई पड़ा, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, YouTube चैनल में वह फुटेज चल रहा है। मैं भी आम जनता को अपने वीडियो के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि नीरज कुमार शर्मा जदयू के प्रवक्ता अभी वर्तमान में मंत्री कहते हैं बिहार में कानून का राज है। लेकिन बालिका गृह कांड होता है, सृजन घोटाला होता है, भाजपा और जदयू के लोग खुलेआम रंगदारी या गुंडई करते हैं, इस गुंडई के जवाब में उनके पास कोई जवाब नहीं। पुलिस हरकत में आई, पुलिस ने जब CCTV कैमरा का फुटेज जब लीक हुआ, जब यूट्यूब में चलने लगा, तो पुलिस घबरा गई, पुलिस दौड़ी घर पर गई, लेकिन घर पर वो नहीं मिला। मंत्री जी बोलने से बच रही है। रेणु देवी, दमंग विधायक और पूर्व मंत्री, भाजपा नेत्री कही जाती है, और भाजपा के नेत्री के भाई ने खुलेआम रंगदारी किया, मारा पीटा अधमरा किया,
लेकिन कानून का राज है। इस कानून के राज की पोल खुलते नजर आ रही है। बिहार में जंगल राज जदयू और भाजपा के शासन काल में चल रहा है। हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण का सिलसिला जारी है। थाना में FIR दर्ज नहीं किया जाता। घर चढ़कर पीट देते हैं लोग, लेकिन FIR दर्ज नहीं की जाती, इसलिए कि FIR दर्ज करने से आंकड़ा सालाना बढ़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है समझौता कर ले, लेकिन FIR पुलिस नहीं करती है। यह सरकार का निर्देश है, इसलिए कि बिहार में कानून का राज है। नीतीश कुमार जी के शासन काल में कानून का राज है, लेकिन सत्ता पक्ष को कुछ भी करने का पूर्ण आजादी है। अब देखना है कि इस मामले में विधायक और पूर्व मंत्री के भाई जेल जाते हैं या नहीं जाते हैं, सरकार जागती है या नहीं जागती है। केवल कागजों में मुंह से बोलने के लिए कानून का राज है, तो नीरज कुमार शर्मा को इस पर कुछ तो बोलना चाहिए। शर्म करनी होगी ना, बोलना होगा तो सबके बारे में बोलना होगा। खुद को छिपाओ, दूसरे पर उंगली उठाओ, नहीं चलेगा। जनता समझ रही है, जानती है, सब समझती है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।